हीटर बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ 5 mm MDF बोर्ड के 28x7 cm साइज के 2 टुकड़े, और 2 टुकड़े ले रहा हूँ 10x7 cm साइज के। अब इन दोनों टुकड़ों को हम आपस में चिपका देंगे फेविकॉल की मदद से। और फ्रेंड चाहो तो आप 10 mm MDF बोर्ड का भी यूज कर सकते हो। मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मुझे वो मार्केट में कहीं मिला नहीं। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले टुकड़े को भी चिपका देंगे जैसे हमने पहले वाला टुकड़ा चिपकाया था। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों टुकड़े चिपक चुके हैं जिससे इनकी थिकनेस भी डबल हो चुकी है। फ्रेंड अब इस पर एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे जिससे इसे हम राउंड शेप में कट कर सकें। आप चाहो तो इसे ऐसे ही शेप में बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में। और फ्रेंड इस कटिंग मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस वीडियो को जरूर देखना जाकर। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड शेप में कट तो हो गया बट इसमें थोड़ा खुरदरापन है। खुरदरेपन को दूर करने के लिए आप सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स क्या फिनिशिंग आई है, इसी बात पर एक लाइक जरूर करते जाइएगा इस वीडियो को। भाई हम 10 mm MDF बोर्ड का दूसरा टुकड़ा भी तैयार कर लेंगे। अब इसके दोनों साइड पर मार्किंग कर लेंगे जिससे हम इस पर फोल्ड कर सकें। देखिए फ्रेंड, चारों पॉइंटों पर होल करने के बाद इन दोनों बोर्ड पर भी होल करेंगे जिससे हमें स्क्रू कसने में कोई दिक्कत ना आए। और दो ले रहा हूँ मेटल शीट के टुकड़े जिनका साइज है 3x2.5 cm। अब इस शीट में होल करने के लिए नट पर शीट रखकर उसे पैनी चीज से ठोकेंगे जिससे इसमें होल हो जाए। ऐसे ही हम इसमें 3 होल करेंगे। ऐसे ही सेम दूसरे में भी होल कर लेंगे और फिर इसको बीच में से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे जिससे ये बोर्ड से टच ना हो। फ्रेंड्स इस पत्ती को फिक्स करने के लिए स्क्रू का यूज करेंगे बट उससे पहले बोर्ड में 2 होल करने होंगे जिससे ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। इन दोनों बोर्ड पर पत्ती लगाने के बाद स्क्रू से कस देंगे जिससे ये मजबूती से फिक्स हो जाए। अब बीच वाले हिस्से पर अच्छी तरह से फेविकॉल लगाकर एल्युमिनियम फॉइल पेपर को कवर कर देंगे जिससे हीट रिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसा फ्रेंड हम इसलिए कर रहे हैं जिससे नीचे का बोर्ड गर्म ना हो। फ्रेंड फेविकॉल सूखने के बाद बचे हुए फॉइल पेपर को भी साइड से कट कर लेंगे। अब इसमें वायर लगाने के लिए दोनों साइडों पर होल करेंगे जिससे इसमें पत्ती पर वायर लग सके। जो वायर मैं यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसे मार्केट से मैं 15 रुपये मीटर के हिसाब से खरीद के लाया था। आप इसमें हैवी वायर का ही यूज़ करना जिससे लंबे समय तक चले।
लोहे की पत्ती पर सोल्डरिंग करेंगे जिससे हम पत्ती पर वायर लगा सकें। वायर सोल्ड करने से पहले इसमें फाइबर स्लिप लगाएंगे जिससे वायर पिघले ना। ऐसे ही दूसरी साइड भी फाइबर स्लिप लगा के सोल्डरिंग कर देंगे। ये वायर फ्रेंड लटकता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। अब इसे साइड से दो होल करके जिप टाई की मदद से इसे अच्छी तरह टाइट कर देंगे जिससे ये लटके ना। Here we go. फ्रेंड्स, मैं ले रहा हूँ 400 वाट की एक रॉड जो मैंने मार्केट से 30 रुपये में खरीदी है। और फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको, ये रॉड मार्केट में अलग अलग साइज की मिलती हैं। आप अपने साइज के हिसाब से इस हीटर को बना लें। अब इस हीटर को कवर करने के लिए मैं ले रहा हूँ एल्युमिनियम नेट का टुकड़ा जो आपको आसानी से हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा, और इसके साइडों पर मार्किंग कर लेंगे जिससे होल करके स्क्रू लगाया जा सके। फ्रेंड्स, इसके दोनों साइड होल कर लिए हैं। अब स्क्रू की मदद से जाली को कस देंगे जिससे अगर फ्यूचर में ये रॉड कभी खराब भी होती है तो हम आसानी से इसे चेंज कर सकें। देखिए फ्रेंड, जाली अच्छी तरह से कस चुकी है, पर इसमें एक दिक्कत है फ्रेंड्स, जो कि साइड से नुकीली जाली निकल रही है। उसे हम कतिये से कट कर लेंगे जिससे ये हाथों में ना लगे। इसके बेस के लिए मैं 4 गिट्टियों का यूज़ कर रहा हूँ जो आपको टीवी या स्पीकर रिपेयर शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। और फ्रेंड, इसे मैं चिपकाने के लिए E8000 ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आप चाहो तो स्क्रू की मदद से भी इसे कस सकते हो। चलिए फ्रेंड, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। देखिए फ्रेंड, हीटर स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छी हीट भी दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने जाली को हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, इसमें कोई करंट नहीं है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छा रूम हीटर है। फ्रेंड्स, ये आपको रूम हीटर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अच्छा, तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।